अगर आप स्पेस साइंस में दिलचस्पी रखते हैं तो आप शायद सोलर साइकिल और सोलर स्टॉर्म्स के बारे में जानते होंगे। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 2 साल में सूर्य अपने सोलर मैक्सिमम पर पहुंच जाएगा। यहां डराने वाली बात यह है कि रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में होने वाली इस घटना का बुरा असर इंटरनेट की दुनिया पर पड़ेगा। दरअसल कहा जा रहा है कि सूर्य वर्तमान में चल रही सोलर साइकिल के 11वें वर्ष में पहुंच जाएगा। सूरज के 11वें वर्ष में आने के बाद धरती पर सोलर मैक्सिमम यानी सौर अधिकतम की घटना घटेगी। जानकारी के अनुसार सोलर मैक्सिमम को सूरज की सबसे बड़ी गतिविधि माना जाता है। इसमें बहुत बड़ी संख्या में सन स्पॉट्स दिखाई देते हैं। इस दौरान सोलर इरेडियंस यानी सौर विकिरण का उत्पादन लगभग 0.07% तक बढ़ जाता है। आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो इस दौरान सूरज की ऊर्जा काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसका असर पृथ्वी की वैश्विक जलवायु पर भी पड़ता है। इस दौरान सूरज सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। माना जा रहा है कि इस बार सोलर मैक्सिमम काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक पूरी पृथ्वी पर इसका असर पड़ेगा। इंटरनेट का तो सर्वनाश तक हो सकता है, यानी इंटरनेट ठप हो सकता है। गौरतलब है कि सौर अधिकतम के दौरान सूरज की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। सूरज की मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत ज्यादा मजबूत होती है। ये वही समय होता है जब सूरज की ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होती है और बड़े पैमाने पर सोलर स्टॉर्म्स यानी सौर तूफान आते हैं। इसके अलावा सौर विस्फोट होते हैं। कहा जा रहा है कि इस बार हमारी पृथ्वी पर विनाशकारी असर पड़ सकता है। रिपोर्ट की माने तो साल 2025 में सोलर मैक्सिमम के कारण आने वाले सोलर स्टॉर्म्स का बुरा असर दुनिया भर में इंटरनेट पर पड़ सकता है। स्पेस एजेंसी नासा की तरफ से बेशक इस पर अभी तक कुछ ना कहा गया हो, लेकिन सोलर मैक्सिमम का इतिहास खास अच्छा नहीं है। जानकारी के मुताबिक 1859 की कैरिंगटन घटना, जिसकी वजह से टेलीग्राफ लाइंस प्रभावित हुई थी। इन लाइंस में चिंगारी उठने के कारण कई ऑपरेटर्स को करंट लग गया था। वहीं 80 के दशक के अंत में यानी 1989 में सौर तूफान के कारण क्यूबेक पावर ग्रिड पर बुरा असर पड़ा था। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस की प्रोफेसर संगीता अब्दू ज्योति ने सोलर सुपर स्टॉर्म्स प्लानिंग फॉर एन इंटरनेट एपोक्लिप्स में इसका जिक्र किया है। ज्योति ने कहा कि हमने अभी तक इस घटना के एक्सट्रीम केस का अनुभव नहीं किया है, ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि प्रतिक्रिया कैसी रहेगी। उन्होंने कहा कि हमारे फेलियर टेस्टिंग में भी ऐसे परिदृश्य शामिल नहीं है। उनका कहना है कि एक भीषण सौर तूफान से समुद्र के नीचे कम्युनिकेशन केबल्स पर असर पड़ सकता है। इस रिपोर्ट की माने तो एक दिन भी अगर कनेक्टिविटी बाधित होती है तो $11 बिलियन से भी ज्यादा का नुकसान हो सकता है। ऐसे में सौर घटना के कारण बहुत ज्यादा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस घटना का असर महीनों तक रह सकता है। पृथ्वी के बुनियादी ढांचे को प्रभावित करने वाली सोलर साइकिल के अलावा सोलर मैक्सिमम और सोलर स्टॉर्म साल 2025 में कितने बुरे साबित हो सकते हैं, इसका फिलहाल सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।